सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही ज़्यादा मज़े में होंगे। तो गाइस, इस टाइम मैं अपने रूम में हूँ कृषोक, तो बाकी आप देख ही सकते हो। तो गाइस, मैं आज जा रहा हूँ शिमला, यहाँ कृषोक से शिमला जाऊँगा। आज शाम को मैं समरील तक जाऊँगा, बाकी मैं आज शाम को समरील में ठहरूँगा। तो बाकी मेरा थोड़ा काम भी है वहाँ पर, तो बाकी आपको ब्लॉग में आगे पता चल ही जाएगा। दोस्तों, ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। हम आपको मोस्ट ऑफ़ द ब्यूटीफुल प्लेसेस दिखाएंगे शिमला सिटी के। बाकी आप भी हमारे साथ ब्लॉग में पूरा पूरा इन्जॉय करना। हम पूरी कोशिश करेंगे आपको अपने ब्लॉग में एंटरटेनमेंट कराने की। तो बाकी हमारे साथ जुड़े रहिए ब्लॉग में एंड तक दोस्तों। तो बाकी चलते हैं शिमला सिटी की ओर, लेट्स गो गाइस। तो दोस्तों, कृषोक से 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पर आपको कुछ इस तरह का व्यू दिखने वाला है। ये है चुराग का मार्केट, जो कि कृषोक के एरिया में पड़ता है। तो बाकी चलते हैं यहाँ से आगे सीधा शिमला की ओर। तो दोस्तों, कृषोक से आगे कुछ किलोमीटर की दूरी पर आपको कुछ इस तरह का व्यू दिखने वाला है, जो कि डाउन में पड़ता है। इस टाइम यहाँ से नीचे उतर आई है और आसपास का व्यू आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा होगा। और दोस्तों, जो सामने आपको दरिया दिख रहा है, ये है ततापानी का दरिया। तो दोस्तों, आप देख ही सकते हो ऑल ओवर व्यू ततापानी के दरिया का, काफ़ी अच्छा लग रहा होगा आपको दिखने में। तो बाकी दोस्तों, आजकल बरसात का मौसम है, आपको पता ही होगा, उस वजह से दरिया का पानी है जो आपको खारा नज़र आ रहा होगा, अच्छे से दिख नहीं पा रहा होगा। बाकी काफ़ी अच्छा लगता है ये दरिया दिखने में। तो दोस्तों, इस टाइम हम एंटर हो चुके हैं ततापानी के मार्केट में। आप देख ही सकते हो कुछ इस तरह का है ऑल ओवर व्यू ततापानी मार्केट का, काफ़ी अच्छा लग रहा होगा आपको भी दिखने में। तो बाकी हम ले चलेंगे आपको पुल की पारवाली साइड, और वहां से हम दिखाएंगे आपको ऑल ओवर व्यू यहां के ब्यूटीफुल दरिया का। तो दोस्तों, कुछ इस तरह का है ऑल ओवर व्यू ततापानी के दरिया का, काफ़ी अच्छा लग रहा होगा आपको भी दिखने में। और आप देख ही सकते हो पानी में कैसी हल्की सी धूप नज़र आ रही है, काफ़ी अच्छा व्यू इस टाइम का। इस टाइम शाम के लगभग 4 बज रहे हैं। बाकी आप देख ही सकते हो काफ़ी अच्छा लग रहा होगा आपको दिखने में दरिया। ये दरिया काफ़ी लंबा चौड़ा और गाढ़ा है, ये ततापानी से होकर लूरी से होकर जाता है। तो बाकी आप देख ही सकते हो ऑल ओवर व्यू, काफ़ी अच्छा लग रहा होगा आपको भी। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आजकल दरिया का कलर है जो वो नीला नहीं है, क्योंकि आपको पता है आजकल बरसात का मौसम है, इसलिए पानी थोड़ा आजकल खारा है दरिया का। बाकी आप देख ही सकते हो। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, आजकल पानी का लेवल है जो कि बहुत ऊंचा होता है। आप देख ही सकते हो पुल में कितना ऊंचाई तक पानी आ चुका है आजकल बरसात के मौसम में। तो फाइनली गाइस, हम पहुंच चुके हैं सुन्नी, जो कि कृषोक से 55 से 60 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। तो हमें थोड़ी रास्ते में भूख आ रही थी, थोड़ी थकावट भी फील हो रही थी, इसलिए हमने सोचा कि यहाँ पर थोड़ा हम रेस्ट मार लेते, और साथ में हमने चाउमीन यहाँ पर ऑर्डर करे है। तो बाकी हम इस टाइम चाउमीन खा रहे हैं दोस्तों। तो बाकी अब चाउमीन खाने के बाद हम नॉन स्टॉप चलेंगे शिमला की ओर। तो बाकी मिलते हैं आपसे ब्लॉग में आगे। तो बाकी आप देख ही सकते हो दोस्तों, यहाँ पर है चाउमीन। तो बाकी हम चाउमीन खा लेते हैं। तो बाकी मिलते हैं आपसे आगे दोस्तों।
है गाइस अपने छोटे भाई यूवी सिंह। अरे बंद कर इसको, इतनी रात को काम रहा, सो गए सारे। आज हम अपने भाई के मेहमान आए शिमला में, समर हिल, अपने छोटे भाई यूवी। गाइस आप देख ही सकते हो मेरे कैसे हाल हुए पड़े हैं, बाइक में हेलमेट लगा के पूरी रोड में बुरे हाल हो गए, बाइक पीछे हमने पार्क कर लिया, आप देख ही सकते हो। तो बाकी चलते हैं गाइस रूम की ओर, बाकी मिलते हैं आपसे आगे रूम में। तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं यूवी के रूम, आप देख ही सकते हो इस टाइम रात के लगभग 10 बज रहे हैं, और बाकी हम इस टाइम खाना खा रहे हैं, खाना निकालिए खाने के लिए, बहुत ज़्यादा भूख प्यारी है। तो गाइस बाकी मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा, मैंने अपने लिए ब्लॉगिंग के लिए नया जो ट्राईपॉड है ये ऑर्डर करा है फ्लिपकार्ट से, बाकी कमेंट सेक्शन में बताना आपको ये कैसा लगा, काफ़ी अच्छा ट्राईपॉड है। तो गाइस मैं आपको बताना चाहूँगा, लास्ट टाइम मेरे साथ कुछ इंसिडेंट हो गया था, मेरी बाइक का जो है पिछला टायर पंक्चर हो गया था, ठीक है। तो फिर मेरे को रास्ते में बहुत सारी गाड़ियाँ मिली तो कोई भी बंदा हेल्प करने के लिए राजी नहीं था, इंसानियत ही नहीं है भाई यहाँ तक, हम बहुत बुरा हुआ हमारे साथ। आप हमें लगता था पहले कि हिमाचल में इंसानियत है आदमियों के अंदर, पर आज मुझे पता चला 100 में से लगभग 10 गाड़ियाँ रुकी भाई मुश्किल जाके, तो फिर वो भी हेल्प करने के लिए राजी नहीं थे, उनके पास भी किसी का पंप नहीं था, और मुश्किल जाके मुझे बाइक वर्कशॉप में पहुँचानी पड़ी, ठीक है। उसके बाद मैंने टायर बनवाया, टायर में नई ट्यूब लगवाई, मेरी ट्यूब ख़त्म हो गई थी टायर की, तो फिर उसके बाद मुश्किल जाके फिर बाइक बना के हम फाइनली पहुँच चुके हैं रूम। तो अभी हम खाना खाएंगे, और बाकी मैंने कपड़े वगैरह चेंज कर लिए आप देख सकते हो, और बाकी भाई थक्के बुरा हाल हुआ है। तो बाकी व्लॉग को करते हैं हम यहीं पे एंड, और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तो बाकी ओके दोस्तों, टाटा एंड बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।